जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। खाली घोंसला, एक भी अंडा नहीं। नो टेंशन, तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं। ओ मेरे बच्चे, इन्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था? तुम फिक्र मत करो वीरा, हमारे अंडों को कुछ नहीं होगा, हम नया घोंसला बना लेंगे। अच्छा, उस दौरान हमारे इन अंडों को सुरक्षित कौन रखेगा? मैं हूँ ना, तुम चाहो तो मैं इन्हें गर्म रख सकता हूँ, मैंने ऐसे सूरज में तपा सकता हूँ। वैसे मोगली का आइडिया बुरा नहीं है, है ना? तुम्हें लगता है हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं पूरी हिफाजत करूँगा। हाँ, वो तो करनी पड़ेगी, अंडे बहुत नाजुक होते हैं। चलो वीरा, अब घोंसलों के लिए कुछ टहनियाँ इकट्ठा कर लें, हम जल्द ही लौटते हैं मोगली। आराम से, मैं हूँ ना, इन अंडों को कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, अब गर्माहट कैसे लगेगी? मोगली, मैं कुछ मदद करूं? नहीं तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, क्यों पूछा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, पक्का तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं? नहीं, दरअसल मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे वो चार अंडे दे दो। नहीं का, ये तुम्हारे नहीं है, अभी तुम्हें किसी और से काम चलाना होगा। ओहो, बादल छा गए हैं, पता नहीं वहाँ मोगली हमारे अंडों को गर्माहट कैसे देगा। उस पर भरोसा रखो, अब चलो जल्दी जल्दी काम करो। घोंसले को अच्छी तरह बांधने के लिए तुम जाकर थोड़ा सा मकड़ी के जाले का धागा ला सकते हो। ये तो बढ़िया आइडिया है, इससे हमारा घोंसला फिर कभी नीचे नहीं गिरेगा, है ना? मैं अभी आता हूँ। तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। टेंशन मत लो अंडो, सूरज ढक गया तो क्या हुआ, मेरे पास तुम्हें गर्म रखने का बढ़िया आइडिया है। अरे नहीं, अंडे कहाँ गए? कहाँ गए वो अंडे? तुमने मुझे दो बार बेवकूफ बनाया, अब मेरी बारी है मोगली। वीरा, जाओ, जल्दी। अरे नहीं, वीरा, जल्दी आओ। बाल बाल बचा, शुक्रिया वीरा, वरना आज तो उसका काम बन ही जाता। आज से पहले इतना बुरा दिन मैंने कभी नहीं देखा।
इतना मत सोचो वीरा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अब चलो, हमें जल्दी से मोगली से अपने अंडे लेने होंगे। बलू उठो। क्या हुआ? बलू तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जरूरी काम है। मैंने पक्षियों का घोंसला गिरा दिया, इसलिए उनके अंडों की रखवाली कर रहा हूँ, पर का मेरे पीछे पड़ा है और वो इन्हें खाना चाहता है। तुम इन अंडों को गर्म रख सकते हो? क्या करना है? सावधानी से रखना, बहुत नाजुक है ये। मुझे अभी इनके मम्मी पापा के पास जाना होगा और साथ ही मुझे का को भी चकमा देना है। मैं जल्द ही इन्हें लेने आऊंगा। हाँ, पर मोगली मेरी बात। शुक्रिया बलू। ये क्या? तुम कहाँ चले गए थे? जानते हो कितना घबरा गए थे हम। और हमारे अंडे कहाँ हैं? तुम्हारे अंडों के पीछे का पड़ा हुआ है, पर टेंशन मत लो, अंडे बलू के पास सुरक्षित हैं। का? वो तो अंडे खाने वाला जालिम अजगर है। पर मैं उसे सबक सिखा दूंगा और वो तुम्हारे अंडों का पीछा करना छोड़ देगा। ठीक है, पर जल्दी करो मोगली, अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द हमें घोंसलों में लाना होगा। मैं तुम्हारे अंडे लाता हूँ और तुम इन पत्थरों को रखो। और तुम्हें बी रॉक के पहाड़ी के ऊपर बांस का घोंसला पता है ना? अरे वाह, देखो तो मुझे कौन मिल गया। ओह का, तुम यहाँ कैसे? बताओ सब कैसा चल रहा है? हा? वो सब छोड़ो, तुम्हारा दोस्त मोगली कहीं दिखा क्या तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ नहीं शायद, हाँ दिखा था। हाँ, शरारती कहीं गए। अब बताओ जरा कहाँ गया है वो नटखट? वो उस तरफ गया है। समझ नहीं आया, किस तरफ दिखा रहे हो बलू? उस तरफ गया है वो। तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है बल्लू, अब बता भी दो क्या परेशानी है। बल्लू, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने अंडों को बांस के घोंसले में रख दिया है पहाड़ी के ऊपर। का तो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। का, तुमने मेरी बात सुन ली क्या? अरे नहीं, बिल्कुल इंसानी बच्चे। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे लंच करने की जगह बता दी। अब तक की सारी मदद के लिए शुक्रिया, वाकई तुम जैसे दोस्त कम ही होते हैं। इस बार तुमने मुझे हरा दिया का। हाँ, वैसे आज ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बना सकता हूँ मोगली। मिलते हैं लंच के बाद। हाँ, करना लंच, पत्थरों को चबा चबा कर खाना। ये सब क्या चल रहा है मोगली, कितनी बार कहा है। ये आवाज कैसी थी बलू? अरे नहीं, इस अंडे से तो बच्चा निकल रहा है। ओ, ध्यान से मोगली, अगर बच्चे ने तुम्हें पहले देख लिया तो वो तुम्हें अपना पापा समझ बैठेगा। मेरे पीछे आओ। जल्दी बलू, और तेज। इसके मम्मी पापा भी अब तक आ गए होंगे। अरे नहीं, क्या बात है बलू, अब चलो, तुम्हारा एक अंडा फूटने वाला है। क्या कह रहे हो, जल्दी ऊपर आ जाओ, हम तैयार हैं। मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोगली। जरा इसे तो देखो, हम इनका नाम क्या रखेंगे?
मोगली और बलू कैसा रहेगा? लगता है ये अंडे मेरे किस्मत में ही नहीं। ये है जंगल, यही है जंगल।